एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स को भेजे हैं स्पाईवेयर थ्रेट अलर्ट्स एंड लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पाईवेयर एलिजिडली लिंक्ड है चाइना से और ये इंड्यूस किया गया है आईफोन्स में मोस्टली हाई प्रोफाइल पोजीशन वाले लोगों को टारगेट करने के लिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप और हम ये सोच के शांति से बैठ जाएं कि भाई अपने को क्या ही लेना देना इस चीज़ से, हम तो साधारण से लोग हैं, हमें टारगेट क्यों ही किया जाएगा। फिर बस यही गलती नहीं करनी है अपने को, अगर स्पाईवेयर अटैक के थोड़े से भी चांसेस हैं और एप्पल ने आपको अलर्ट भेजा है स्पेसिफिकली स्पाईवेयर अटैक के बारे में तो डेफिनेटली देर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। आइए फिर बताता हूँ कि क्या है ये स्पाईवेयर अटैक और इससे आप अपने फ़ोन को, अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से। हाय, मैं हूँ प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग अनकट। जिस स्पाईवेयर अटैक की मैं बात कर रहा हूँ इसे मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक का नाम दिया गया है और एप्पल ने 92 कंट्रीज में अपने आईफोन यूजर्स को वार्निंग भेजी है इस अटैक को एड्रेस करते हुए। वैसे स्पाईवेयर अटैक नाम से हम काफी फेमिलियर हैं, काफी टाइम से सुनते रहते हैं रोज, लेकिन मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक ये क्या चीज़ है असल में, आ जाओ समझाता हूँ। देखो, मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक्स कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके चलते हैकर्स आपके डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं बड़े आराम से। इस तरह के अटैक्स काफ़ी रेयर होते हैं, यूजुअली ये सिर्फ हाई प्रोफाइल पोजीशन वाले बंदों को ही टारगेट करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि मेजर रिस्क हाई प्रोफाइल लोगों को ही है स्पाईवेयर अटैक से। लेकिन मैं फिर वही अपनी बात कहूंगा कि आप ये सब सुन के एप्पल के इस अलर्ट, इस वार्निंग को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि स्पाईवेयर रिस्क तो सबके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है ना। अब वैसे तो एप्पल के पास अपने खुद के सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन स्पाईवेयर अटैक से और हैकर से बचाने के लिए, जैसे कि इनके खुद के रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड थ्रेट नोटिफिकेशंस। वैसे ये है उस अलर्ट का स्क्रीनशॉट जो एप्पल ने अपने कस्टमर्स को भेजा है, चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ लो, जहां साफ साफ मेंशनड है दैट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। अब इस अटैक से होगा ये कि साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स आपके डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेकर आपके सारे प्राइवेट डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं आराम से। और काफ़ी बार तो भले ही विक्टिम ने कोई आलतू फालतू फाइल डाउनलोड ना भी करी हो या फिर ना ही उसने कोई मलिशियस लिंक पर क्लिक किया हो, लेकिन तब भी विक्टिम के बिना कुछ किए हैकर पूरा डिवाइस टेक ओवर कर सकता है। आगे तो बढ़ गई है टेक्नोलॉजी देखो। अब ऐसे में कुछ सिक्योरिटी बॉडीज़ का कहना है कि स्पाईवेयर का नाम है लाइट स्पाई और यही स्पाईवेयर कुछ साल पहले भी इंड्यूस किया गया था डिवाइसेस के अंदर। अब एप्पल ने जो अपनी तरफ से अलर्ट भेजा है उसमें स्पाईवेयर की कोई डिटेल नहीं है एंड इवन उसके ओरिजिन की भी कोई डिटेल नहीं दे रखी है इसमें। तो अब जो करना है आप खुद देखिए, एप्पल ने तो बस अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे ये जो स्पाईवेयर है लाइट स्पाई, ये सबसे पहले देखने को मिला था 2020 में, ट्रेंड माइक्रो और कैस्पर्स्की के रिसर्चर्स ने ढूंढा था इसे। अब इसकी रीएंट्री थोड़ी सी चिंता की बात ऐसी भी हो गई है कि एप्पल के कस्टमर्स जो हैं वो सिर्फ नॉर्मल पब्लिक तक तो लिमिटेड नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, डिफेंस एजेंसीज और इवन गवर्नमेंट के भी काफ़ी बंदों के पास है अब तो आईफोन। हर जगह किसी ना किसी के पास आईफोन होता ही है और अब तो इलेक्शंस भी सर पर हैं, तो सोचो ज़रा अगर डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई तो कितना बड़ा तमाशा हो सकता है, कितना नुकसान होगा। और ये जो लाइट स्पाई का लेटेस्ट वर्जन डिस्कवर हुआ है अभी, ये काबिलियत रखता है फाइल्स और डेटा चोरी करने की काफ़ी बड़े और पॉपुलर ऐप से भी, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वी चैट, इवन आई क्लाउड कीचेन का डेटा भी चोरी हो सकता है, जो एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि यूजुअली काफ़ी लोग अपने पासवर्ड्स और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर करके रखते हैं और अगर इसी के साथ आई क्लाउड कीचेन के साथ छेड़छाड़ हुई फिर तो गड़बड़ है यार। इवन सफारी और क्रोम जैसे वेब ब्राउजर्स की सर्च हिस्ट्री भी सेफ नहीं है अगर ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस में आ गया है तो। कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, देखो पूरा पूरा पोटेंशियल है स्पाईवेयर में आपको ख़त्म कर देने का, बर्बाद करके मानेगा। ऑल्सो चाइनीज लिंक भी बताए जा रहे हैं स्पाईवेयर के, भड़ास निकाल रहा है चाइना इसकी कि ये जो आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट होती जा रही है अब धीरे धीरे। वेल मे बी और मे बी नॉट, आपको क्या लगता है बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। अब बताता हूँ इससे बचना कैसे है, खुद को इस लाइट स्पाई नाम के मर्सिनरी स्पाईवेयर के अटैक से बचाना कैसे है हमें। देखो सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और सब सिक्योर हो जाएगा। पहला है अपने आईफोन के लॉकडाउन फीचर को यूज़ करो और लॉकडाउन मोड स्विच ऑन कर दो। ये एक प्रोटेक्शन फीचर है आईफोन्स के लिए, प्रोटेक्शन जैसे कि सेफर वायरलेस कनेक्टिविटी, मीडिया हैंडलिंग, मीडिया शेयरिंग डिफॉल्ट्स, सैंड बॉक्सिंग एंड नेटवर्क शेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ अच्छे से देख लेता है, सब सिक्योर हो जाता है इसे। दूसरा स्टेप है अपने सभी पासवर्ड्स अपडेट कर लीजिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन या जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर आप ऐड कर सकते हैं वो ज़रूर कर लेना, बेहतर ही रहता है फिर सब कुछ, सिक्योरिटी बेटर होती है। अब है लास्ट स्टेप, अपने डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूर चेक कर लेना कि क्या आपका डिवाइस लेटेस्ट वर्जन से अपडेटेड है या नहीं, अगर है अपडेटेड तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुरंत कर लो
क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इग्नोर नहीं करना होता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस होते हैं इनके अंदर, जो आपके डिवाइस को नए मालवेयर या फिर स्पाईवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये थे 3 सिंपल स्टेप्स अपने डिवाइस को, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। अब एक फैक्ट ये भी है कि यार अपना रोज ऐसे वर्चुअल अटैक्स होते रहते हैं, खुद को कितना बचाया जाए। एटलीस्ट अपने आप से हम जो बेसिक सिक्योरिटी अपने डिवाइस को दे सकते हैं वो हमें जरूर देनी चाहिए। चलिए फिर, ये थी पूरी अपडेट एप्पल यूजर्स के लिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही आने वाले अपडेट्स के लिए अनकट को सब्सक्राइब जरूर करना।